तो दोस्तों, आज मैं रिसेंटली Amazon Prime पर रिलीज हुई एक मलयालम हॉरर फिल्म द प्रीस्ट की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसके डायरेक्टर हैं जॉफिन टीचेको, इसके राइटर हैं श्याम मेनन एंड दीपू प्रदीप। इस फिल्म के रन टाइम की बात करें तो ये 2 घंटे 25 मिनट लंबी है। एंड अगर आप इस फिल्म को एक्सप्लेनेशन से पहले देखना चाहते हैं तो आप इसको Amazon Prime पर जाकर देख सकते हैं। तो इसके लंबे रन टाइम के चलते मैं इसको जितना हो सके उतना शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सारे पॉइंट्स कवर जरूर हो जाएंगे। इस मूवी को पिछले साल ही रिलीज होना था लेकिन C19 के चलते ये डिले हो गई। और दोस्तों, मैंने हाल ही में स्टेफनी फिल्म को एक्सप्लेन किया है, काफी बढ़िया फिल्म है, तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी एक हॉस्पिटल में शुरू होती है जहां पर एक एक्सीडेंट विक्टिम को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। उसकी हालत काफी ज्यादा सीरियस होती है। अब तभी हम एक बच्ची को देखते हैं जो कि कोची के सेंट मैरी अनाथ आश्रम में रहती थी। यहां पर एक सॉन्ग आता है एंड उसी दौरान वो स्कूल बंक करके एक ट्रेन में चढ़ती है। लेटर ऑन हम फादर कार्मन बेनेडिक्ट को देखते हैं जो कि एक एक्सपर्ट एक्सोरसिज्म प्रीस्ट थे। उनसे मिलने दिया नाम की एक लड़की आई थी। दिया यहां पर केरला की एक सुपर रिच फैमिली के केस को लेकर आई थी, अलर्ट फैमिली की मिस्टीरियस सुसाइड केसेस को डिस्कस करने। उसको ये सब मर्डर लगते हैं। दिया ये कहती है कि अलर्ट फैमिली के हेड एलेक्स एंड लिसी की एक बेटी थी, वो चेन्नई IIT में पढ़ती थी, जिसकी डेथ एक्सीडेंट में हो गई। बेटी की डेथ के बाद में एलेक्स डिप्रेशन का शिकार हो गया और कुछ ही महीने के बाद में सुसाइड कर लिया। एंड यस, जिसने ये पूरा एम्पायर खड़ा करा था उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। अब 2 साल के बाद में उसकी वाइफ लिसी ने भी सुसाइड कर लिया। एलेक्स का भाई जोशी अब बिजनेस संभाल रहा था लेकिन उसने भी 2 साल के बाद में मिस्टीरियसली सुसाइड कर लिया। अब अलर्ट ग्रुप को जोशी की वाइफ एलिजाबेथ अलर्ट चला रही थी। यहाँ पर दिया को ये सारी मौतें डिमोनिक लग रही थी, इसलिए वो फादर के पास में आई थी। अब फादर कार्मन केस को ले लेते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। उनकी लोकल पुलिस में काफी पहचान थी, एज उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर काफी केस सॉल्व किए थे। फादर अब DSP शेखर को कॉन्टेक्ट करता है और अलर्ट फैमिली से जुड़ी हुई सारी फाइल्स मंगाता है। DSP शेखर ने कुछ केसेस को इन्वेस्टिगेट भी किया था एंड वो उन्हें सुइसाइड ही कहता है। फादर को अब एलिजाबेथ से मिलना था, इसलिए शेखर एलिजाबेथ को कॉल करता है एंड स्ट्रेंजली एलिजाबेथ चेन्नई में थी। वो उनको कल की अपॉइंटमेंट देती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो बच्ची जो शुरुआत में भाग गई थी वो एलिजाबेथ के साथ में ही थी। एलिजाबेथ रात को कोची वापस आने वाली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिजाबेथ की मेड रूटीन की तरह काम पर आती है। वो टी बनाकर एलिजाबेथ के रूम में जाती है तो वो वहां पर एलिजाबेथ की डेड बॉडी को पाती है। ऐसा लग रहा था कि उसने भी सुसाइड कर लिया है। बॉडी के पास में वही बच्ची बैठी हुई थी। अब पुलिस एंड फादर कार्मन आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि उस बच्ची का नाम अमेया है और वो इसी शहर के अनाथ आश्रम में रहती है। अब अनाथ आश्रम की सिस्टर पुलिस से ये कहती है कि अमेया 3 दिन से लापता थी। उन्होंने पेपर में मिसिंग का एड भी दिया था। एलिजाबेथ को अमेया चेन्नई में मिली थी और वो एड देखकर उसे कोची वापस ला रही थी। कोची आकर उसने सिस्टर को मैसेज भी किया था। यहाँ पर अमेया एक स्पॉइल्ड किड थी। वो अक्सर अनाथ आश्रम से भाग जाती थी। स्कूल में भी उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं थे। उसका कोई दोस्त भी नहीं था और वो सबसे हमेशा गुस्से में ही बात करती थी। स्कूल की टीचर एंड बाकी सिस्टर्स उससे तंग आ गए थे, बट हेड सिस्टर उसका काफी ध्यान रखती थी। पुलिस अब अमेया से सुइसाइड के बारे में पूछती है, बट वो कोई भी जवाब नहीं देती। पुलिस को यहाँ पर ये लगता है कि वो अभी भी शॉक में है। बाद में फादर एंड DSP शेखर डॉक्टर संजय से मिलते हैं जो कि एलिजाबेथ के साइकाइट्रिक डॉक्टर थे। डॉक्टर संजय ये कहते हैं कि एलिजाबेथ मैनिक डिप्रेशन से जूझ रही थी। डिप्रेशन उनकी फैमिली में ही था, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। वो सुइसाइडल तो नहीं थी लेकिन पेशेंट जरूर थी। एलिजाबेथ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ का कारण नींद की गोलियों का ओवरडोज और सुइसाइड बाय नाइफ लिखा हुआ था। यानी बाकी लोगों की तरह यहाँ पर भी ये डेथ एक परफेक्ट सुइसाइड था। इन सभी चीजों को देखकर फादर का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसी रात कोई अनजान ताकत अमेया पर हमला करके उसका गला दबाने लगती है। अमेया बच जाती है बट उसने हमलावर को नहीं देखा था। फादर एंड पुलिस का शक अब और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। किलर को ये लग रहा था कि शायद अमेया ने उसको देख लिया है, इसलिए वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था। अब जैसी नाम की एक लेडी अमेया के स्कूल में न्यू टीचर के तौर पर ज्वाइन करने आती है। अमेया उसे पहली बार देखकर मुस्कुरा
नजर आती है और फिर रोने लगती है। यहाँ पर जेसी को ये लगता है कि वो एग्जाम्स में कम मार्क्स आने की वजह से रो रही है, इसलिए वो उसको शांत कराती है। फादर कारमेन और पुलिस अब एलिजाबेथ के लॉयर से मिलते हैं, जो कि ये कहता है एलिजाबेथ ने अपनी संपत्ति को एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया है, अब से वही अलर्ट ग्रुप के मालिक होंगे। फादर कारमेन फिर से एलिजाबेथ के घर पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वहां पर आए सफाई कर्मचारियों को बुलाकर सस्पिशियस आइटम्स को ढूंढने के लिए बोलते हैं। एक अम्मा उसको फेलिप 6 नाम की एंटी साइकोटिक टेबलेट लाकर दिखाती है, जो कि उसे बाथरूम के पास में मिली थी। ये एक ऐसी टेबलेट थी जिसको लेने से नॉर्मल लोगों के अंदर डिप्रेशन, दौरे पड़ना और ऐसे साइड इफेक्ट्स आते थे। अब यहाँ पर फादर को डॉक्टर संजय पर शक होता है। पुलिस उसे अरेस्ट करके अच्छे से पूछती है। डॉक्टर संजय अपना गुनाह कबूल करता है। वही आधी रात को एलिजाबेथ से मिलने आया था और वही एलिजाबेथ को महीनों से उन टेबलेट्स को दे रहा था। उसी ने उसको सुइसाइड करने पर मजबूर किया और चाकू भी उसके हाथ में थमा दिया। डॉक्टर संजय ने इसी तरह बाकी सभी लोगों को भी मारा था, यानी कि अलर्ट फैमिली को। ऊपर से देखने पर ये सभी चीजें सुइसाइड लग रही थी, लेकिन उसके नीचे बहुत बड़ा राज था। फादर दिया से ये कहते हैं कि चेन्नई में हुआ एक्सीडेंट भी मर्डर ही है। पुलिस अब डॉक्टर संजय के दो और साथी डॉक्टर्स को भी पकड़ लेते हैं। इन तीनों ने ही प्लान बनाकर एलिजाबेथ से ट्रस्ट बनवाया था और उसमें अपना नाम डलवा दिया। अब दूसरी तरफ स्कूल में अमेया को जेसी से लगाव हो गया था। स्कूल की हेडमास्टर ने जेसी को अमेया की पर्सनल कोचिंग पर लगाया था। जेसी भी कोचिंग करने के लिए रेडी थी एंड अमेया के बिहेवियर के अंदर भी बदलाव आ रहा था। एक एग्जाम में तो अमेया ने 48 मार्क्स आउट ऑफ 50 निकाले थे, जो कि सभी टीचर्स के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात थी एंड सभी लोग इस चीज के लिए जेसी को कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। एज 6 साल में जो वो नहीं कर पाए उसने कुछ ही दिन में कर दिया। अब डीएसपी इस केस के सक्सेस से काफी ज्यादा खुश था, एज उसको सीएम से काफी शाबाशी मिली थी, बट फादर कारमेन उतना खुश नहीं थे, एज उनको यहाँ पर अभी भी कुछ खटक रहा था, पर्टिकुलरली अमेया का बिहेवियर। अब अगले दिन फादर अमेया से मिलने स्कूल पर जाते हैं, बट अमेया उन्हें देखकर भागने लगती है। वो जेसी के पास छुप जाती है, जहाँ पर फादर अपना इंट्रो देकर अमेया से मिलने जाते हैं। लेटर ऑन हम अमेया को रोते हुए देखते हैं एज अमेया फादर पर उसे मारने का इल्जाम लगाती है। जेसी को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है और वो फादर को स्कूल से जाने के लिए बोल देती है। फादर जाते टाइम जेसी से ये कहते हैं कि अमेया वो नहीं है जो तुम समझ रही हो, उसके बारे में जब तुमको पता चलेगा तब तुम मुझको ही कॉन्टेक्ट करोगी। वो अपना विजिटिंग कार्ड भी देते हैं, बट जेसी उसको नहीं लेती। अब कुछ ही दिन के बाद में स्कूल समर वेकेशन के लिए क्लोज होना था, जिससे अमेया नाराज थी। वो अभी भी जेसी के साथ में ही टाइम बिताना चाहती थी, इसलिए वेकेशन का आइडिया देती है। जेसी की भी कोई फैमिली नहीं थी, उसकी अकेली सिस्टर मर गई थी एंड वो हॉस्टल में अकेली रहती थी, इसलिए वो अमेया में इतना इंटरेस्टेड थी। वो एक ऑर्फन बच्ची की मुश्किल समझती थी। जेसी का पुश्तैनी घर शहर के आउटस्कर्ट्स में था। अब जेसी अनाथ आश्रम की सिस्टर से परमिशन लेकर अमेया को अपने साथ ले जाती है। एक महीने दोनों खूब एंजॉय करते हैं। अमेया यहाँ पर काफी खुश थी और जेसी को लेकर काफी पजेसिव भी थी। अब जेसी एक दिन अमेया के साथ अपने हाई स्कूल के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ से मिलने जाती है। सिद्धार्थ अब जेसी को प्रपोज करता है, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है, बट सिद्धार्थ को देखते ही अमेया का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो गुस्सा करती है और उस पर आइसक्रीम छिड़क कर घर पर वापस आ जाती है। जेसी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि अमेया अचानक से ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। रात में डिनर के टाइम वो जेसी को समझाने जाती है, बट वो फिर से वॉयलेंट होकर ग्लास तोड़ देती है। रात को जेसी सिद्धार्थ को स्काइप पे कॉल करती है, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करने जाती है, बट तभी अचानक से कॉल कट हो जाता है। स्क्रीन पर जेसी अपनी इमेज के साथ में अमेया को भी देखती है, बट उस रूम के अंदर कोई भी नहीं था। उसके रूम का डोर अपने आप ही खुल गया था। जेसी अमेया को चेक करने जाती है तो वहां पर वो सो रही थी, बट अगले ही पल वो पानी पीने जाती है तो तभी उसको अमेया सामने दिखती है। वो उसको क्रीपी वे में देखकर सोने के लिए बुला रही थी। जेसी इन सब चीजों से बेहद डर जाती है। वो अमेया को फिर से सोने के लिए भेज देती है। उसको अब फादर कारमेन की बात याद आती है। वो नेट से उनका फोन नंबर निकाल कर उन्हें कॉल करती है। कुछ ही देर के बाद में उसको सिद्धार्थ का भी कॉल आता है। वो उसे चेक करने के लिए उसके घर पर आना चाहता था, बट जेसी उसको रोक देती है। तभी अमेया फिर से वहां पर आ जाती है। वो मोबाइल पर सिद्धार्थ का नंबर देखकर गुस्सा करती है, उस फोन को जेसी के हाथ से छीनकर तोड़ देती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं पहले पत्ते। यहाँ पर फादर ग्रेवयार्ड पर थे जब उनको जेसी का कॉल आता है। वो असल में दिया आलट के कब्र के सामने बैठे थे, यानी कि दिया यहाँ पर एक भूत थी। वो अपने परिवार को जस्टिस दिलाने आई थी और वो सिर्फ फादर को ही दिख रही थी।
तभी फादर जेसी के घर पर आ जाते हैं, जिन्हें अंदर आने से अमिया रोकती है। जब जेसी डोर खोलने जाती है तो वो उसे उठाकर पटक देती है, जिससे जेसी बेहोश हो जाती है। लेकिन समहाउ फादर घर के अंदर आकर अमिया पर सेडेटिव इंजेक्शन लगा देते हैं। अगली सुबह फादर जेसी को सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। वो ये कहते हैं कि अमिया के अंदर एक भूत है, उसी ने स्कूल में अपने आप को मारा था एंड झूठ बोला था। फादर को उसे देखकर ही मालूम पड़ गया था कि वो पजेस्ड लड़की है। वो अब रात में उस पर एक्सोरसिज्म करना चाहते थे। इसके लिए वो एक मेडिकल डॉक्टर को स्टैंड बाय पर रखते हैं। अमिया को बेड से बांधकर चैंटिंग करने लगते हैं, लेकिन अमिया के अंदर का जो भूत था वो काफी पावरफुल था। वो आसानी से अपने आप को छुड़ाकर फादर को ही हॉन्ट करने लगता है। एंड में फादर समहाउ उस पर काबू करते हैं, बट अमिया की बॉडी अब फुली वीक हो गई थी। डॉक्टर उसे एक्सोरसिज्म करने से रोक देता है। अगले दिन जेसी एंड फादर जेसी की बड़ी बहन सूजन की कब्र पर जाते हैं। आज उसकी डेथ एनिवर्सरी थी। उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तभी जेसी को सिस्टर का फोन आता है और वो अमिया से बात करना चाहती थी। आज उसका बर्थडे था। कुछ तो गड़बड़ है दया। फादर अब अनाथ आश्रम जाकर अमिया की हिस्ट्री को निकालते हैं। उसका बर्थ उसी हॉस्पिटल में हुआ था जहां पर जेसी की बहन की डेथ हुई थी। यानी कि फिल्म के शुरुआत वाले सीन में जिस विक्टिम को यहां पर लाया गया था वो सूजन ही थी। सूजन के भूत ने वहां पर जन्मी बच्ची को पजेस कर लिया था, इसलिए यहां पर अमिया जेसी को लाइक करती थी एंड उसी के साथ में रहना चाहती थी। और यहां पर हमको एक और फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। सूजन लोकल स्कूल में पीई टीचर थी, वहीं पर जेसी एंड सिद्धार्थ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे। तभी से वो एक दूसरे को लाइक करते थे और ये बात सूजन को पसंद नहीं थी। एंड अगर समहाउ आपको पीई मतलब समझ नहीं आया तो वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर। फादर अब ये बात जेसी को बताकर अमिया पर फिर से एक्सोरसिज्म करने लगते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि अमिया क्लाउन से डरती है, यानी कि उसको कलरोफोबिया था, यानी कि फियर फ्रॉम क्लाउन्स। इसलिए इस बार वो अमिया को पहले क्लाउन से डराते हैं एंड देन एक्सोरसिज्म करने लगते हैं। इसी बीच सिद्धार्थ भी वहां पर आ जाता है और इन सभी चीजों को अंधविश्वास कहने लगता है। सिद्धार्थ को देखते ही अमिया उस पर हमला करने दौड़ती है, उसका गला घोटकर उसे मारने लगती है। जेसी फादर एंड डॉक्टर उसे छुड़ाने लगते हैं और सिद्धार्थ को यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ में हुआ क्या। फादर सिद्धार्थ और सूजन की दुश्मनी को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थे, इसलिए वो उससे उसके पास्ट का कोई इंसिडेंट पूछते हैं। सिद्धार्थ एक इंसिडेंट को नैरेट करता है। स्कूल के अंदर दो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स थे। स्कूल ने एक स्पेशलिस्ट टीचर को हायर किया था, शायद ये स्टेट लेवल के चैंपियंस को तैयार करने के लिए था। सूजन ने उस टीचर को स्टूडेंट्स को स्टेरॉइड्स देते हुए पकड़ लिया था और वहां पर सिद्धार्थ भी था। सूजन ने वीडियो बनाया था और लेटर ऑन सूजन प्रिंसिपल से भी मिलती है और वो इसे दबाने की बात करता है। बट यहां पर सूजन काफी ज्यादा अड़िग थी, वो प्रेस में जाने की धमकी देती है। उसी रात सूजन का एक्सीडेंट भी हो गया था और वो केस वहीं पर खत्म हो गया। लेकिन फादर कर्मन को यहां पर ये लगता है कि सिद्धार्थ ने पूरी बात उसको नहीं बताई है और यहां पर अभी भी कुछ गड़बड़ है। खैर फादर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हैं। सूजन की मौत के दिन जेसी सिद्धार्थ के साथ चुपके से अपने फ्रेंड आनंद के घर पे बर्थडे पार्टी में गई थी और ये वही स्पोर्ट्स वाला लड़का था जिसने स्टेरॉइड्स लिए थे। रात भर सभी टीनेजर्स उसके घर में पार्टी करते हैं। जेसी को उस रात की बातें ज्यादा कुछ याद नहीं थी, एज उसको ये लगता था कि वो पीकर टुन हो गई थी और सिद्धार्थ ने उसको घर पर छोड़ा था। पार्टी में कई सारे फ्रेंड्स आए थे जिसमें मनु नाम का एक लड़का भी था जो अब मर चुका है। फादर जेसी के साथ मनु के घर पर जाते हैं, उसके रूम में जाकर मनु के भूत से बात भी करते हैं और अब उनको सब कुछ समझ में आता है। लेटर ऑन वो आनंद के घर पर जाते हैं और मनु के बताए एग्जैक्ट लोकेशन पर उनको उस दिन की कई सारी फोटोज मिलती हैं। उसमें सिद्धार्थ भी था जिसके फेस पर कलर लगा हुआ था, वो क्लाउन की तरह दिख रहा था। लेटर ऑन फादर सिद्धार्थ के घर जाकर उसको कन्फ्रंट करते हैं। सिद्धार्थ ये कहता है कि सूजन मैम को पार्टी के बारे में पता चल गया था, वो आनंद के घर आ रही थी। मैं और जेसी वापस घर जा रहे थे और उसी टाइम एक कर्व पर हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जेसी वहीं पर बेहोश हो गई। सूजन मैम रोड पर ही तड़प रही थी, उन्होंने मुझे देखा था बट मैंने उन्हें नहीं बचाया और मैं जेसी को लेकर घर पर वापस आ गया। लेटर ऑन किसी ने मैम को हॉस्पिटल पहुंचाया लेकिन वहां पर उनकी अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई। लेकिन यहां पर फादर को अभी भी सिद्धार्थ पर शक था, एज उन्हें ये लगता है कि वो अभी भी कुछ छुपा रहा है। वो उसकी उस कार के बारे में भी पूछता है तो सिद्धार्थ ये कहता है कि उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। उधर जेसी के घर सिस्टर आती है, यानी कि अनाथ आश्रम वाली सिस्टर। उन्हें अमिया ओल्ड हाउस में कैद दिखाई देती है। वो जेसी पर गुस्सा करके अमिया को रिलीज कर देती है। अमिया फौरन ही पास के ही जंगल में भाग जाती है। लेटर ऑन ये बात जेसी फादर को बताती है जो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वो एक ओल्ड वीरान फैक्ट्री पर आते हैं जहां पर वो कार 12 साल से थी। लेटर ऑन हम अमिया को एक ओल्ड
फैक्ट्री में देखते हैं जहाँ पर वो सिद्धार्थ को पीट रही थी। वो उसको मारना चाहती थी लेकिन फादर आकर अमेया को रोकते हैं और सिद्धार्थ को भगा देते हैं। वो एग्जॉर्सिज्म करके सूजन की आत्मा को अमेया की बॉडी से बाहर निकालते हैं और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। फादर सूजन को अब सच्चाई बताते हैं। उस रात पार्टी के बाद सिद्धार्थ एंड जेसी कार में वापस आ रहे थे। कार सिद्धार्थ नहीं बल्कि जेसी चला रही थी। जी हाँ, वो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। सिद्धार्थ अभी बच्चा ही था इसलिए वो भाग गया था। फादर सूजन को समझाते हैं कि रिवेंज लेना ठीक नहीं है, उसे आफ्टर लाइफ में जाना चाहिए। जेसी के साथ उसका टाइम अब पूरा हो चुका है। जेसी एंड सिद्धार्थ एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं एंड उसको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। वो अमेया को दिखाकर ये भी कहते हैं कि उसने उसकी लाइफ भी खराब करी है। वेल, सच्चाई जानने के बाद में सूजन मान जाती है और वो आखिरी बार जेसी से मिलकर उससे विदा लेती है। लेकिन हम पोस्ट क्रेडिट सीन में उसी पीई टीचर को देखते हैं जिसने अपने स्टूडेंट्स पर स्टेरॉइड्स का यूज किया था। उसे वो स्टेरॉइड्स डॉक्टर मुरलीधरन नाम के एक डॉक्टर ने दी थी। डॉक्टर मुरलीधरन अब उससे मिलने आया था, एस फादर कर्मन ने उसे फोन करके धमकाया था। और दोस्तों, ये डॉक्टर वही था जिसके पास में सूजन की बॉडी स्टार्टिंग में आई थी, यानी कि हॉस्पिटल में। उसे सूजन की प्रेस में जाने वाली बात एंड वो स्टेरॉइड्स वाली बात पता थी, इसलिए वो उसको नहीं बचाता। यानी कि सूजन यहाँ पर मरती नहीं लेकिन इस डॉक्टर की वजह से वो मारी गई। वो पीई टीचर की बात को मानते हुए हॉस्पिटल में ही सूजन को मार देता है। अब लेटर ऑन हम सूजन के गोस्ट को इन दोनों आदमियों को मारते हुए देखते हैं और फादर इसे दूर से देखते हैं और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द प्रीस्ट फिल्म की कहानी। पहली बात तो ये फिल्म देखकर मैं काफी थक गया, लाइक ये काफी लंबी फिल्म है, लेकिन हाँ, एंड में आपको एक सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है। बेसिकली ये थिएट्रिकल ऑडियंस के लिए बनाई गई है इसलिए इतनी लंबी फिल्म है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये फिल्म मुझे अबव एवरेज लगी। इंटरवल से पहले की कहानी एंड बाद की कहानी दोनों डिफरेंट है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर दो स्टोरी लाइन चलती है, फर्स्ट हाफ में अलग एंड सेकेंड हाफ में अलग। एंड बात करें तो सबसे बढ़िया एक्टिंग यहाँ पर बेबी मोनिका की है। एंड आप इसको Amazon Prime पर जाकर देख सकते हैं एंड प्लीज वॉच एंड डू सपोर्ट। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्ट